हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मोहसिन अली। हम आज के वीडियो में विंडोज़ 10 की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे विंडोज़ का कोई भी पार्टीशन क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग विंडोज़ 10 के अंदर डिस्क पीसी है तो हम लोग डिस्क पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो हमें डिवाइस मैनेज और डिस्क मैनेज ओपन होगा। यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया है। कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है टास्क शेड्यूलर। टास्क शेड्यूलर हमें किस काम आता है हम लोग देखते हैं। टास्क शेड्यूलर के अंदर हमें कोई भी ऐसी एरर है जो हमारे विंडोज़ के बीच में आती है तो हम लोग टास्क शेड्यूलर में जाके उसको एज ए डिसेबल भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई सर्विस जैसे मेरे अंदर अभी देख रहे तब ये है, तो मुझे इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको डिसेबल करूँगा तो ये पॉपअप मेरे सिस्टम में बीच बीच में नहीं आएगा। नेक्स्ट है इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर के अंदर आपको सिस्टम का लॉग चेक करना है कि मेरे सिस्टम में क्या एरर थी और मेरा सिस्टम रिस्टार्ट क्यों हुआ था और किसने लॉगिन किया था। तो हम लोग इवेंट व्यूअर के अंदर विंडोज़ लॉगिन के अंदर जाके सिस्टम में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन से विंडोज़ के लॉग। आप मेरे सिस्टम में देख रहे हैं ये येल्लो आइकन आपको शो कर रहा है वार्निंग रिलेटेड। बाकी यहाँ से आप लोग आपके सिस्टम में बहुत सारे लॉग देख सकते हैं। यहाँ पे है कर्नल पावर यानी अगर इन केस आपका पावर सप्लाई का पावर कट ऑफ होता है तो आपको कर्नल पावर करके शो करेगा, जिसकी वजह से आप पावर सप्लाई का केबल भी चेंज कर सकते हो और हार्ड डिस्क का पावर केबल भी चेंज कर सकते हो। इवेंट व्यूअर में के अंदर सिस्टम में जाके आप लॉक देख सकते हो। लॉक लॉक के आधार पे आप आपके सिस्टम की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो और ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो। ऑनलाइन सर्च करने के लिए उस वार्निंग के ऊपर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। वार्निंग के ऊपर डबल क्लिक करके ये टेक्स्ट को कॉपी करके गूगल में सर्च करोगे तो आपको इसके रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट है लोकल यूजर्स एंड ग्रुप। आपको कोई भी यूजर्स बनाना है तो आप लोकल यूजर एंड ग्रुप में जाओगे। यूजर्स में आप राइट क्लिक करके न्यू यूजर बना सकते हो। देन नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर के अंदर आप ये देख सकते हो कि आपके सिस्टम में कौन से हार्डवेयर या कौन से डिवाइसेस इंस्टॉल है और उसके ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं, आप यहाँ से देख सकते हो। टॉप पे मुझे सिस्टम का पीसी नेम शो कर रहा है। उसके ऊपर है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर हम लोग परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन के रिलेटेड, यूजर डिफाइंड सिस्टम्स। नेक्स्ट है डिस्क मैनेजमेंट, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिस्क मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि हमारे सिंगल हार्ड ड्राइव है तो उसका मल्टीपल पार्टीशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा सी पार्टीशन। हमें यहाँ पे डी इसलिए शो कर रहा है कि मेरे सिस्टम में दो विंडोज इंस्टॉल है। सी विंडोज प्राइमरी में सी विंडोज है और सेकेंडरी में मेरा डी विंडोज है, इसलिए मुझे यहाँ पे डी शो कर रहा है। फिर हम लोग प्राइमरी में सी पे जाके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम करेंगे। श्रिंक वॉल्यूम में क्या होगा कि हमारी हार्ड डिस्क हाफ ऑफ पार्टीशन में डिवाइड होगी। जैसे 99 यानी 100 तो 50 50 GB में डिवाइड होगी और हमें पार्टीशन एक्सटेंड करना है तो हम लोग यहाँ से पार्टीशन एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पार्टीशन अनअलोकेटेड भी कर सकते हैं, सिंगल पार्टीशन भी कर सकते हैं और मल्टीपल पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे हैं इसने हाफ ऑफ में डिवाइड किया है, 4 2 4 2 3 एंड 4 2 4 2 3। हमें भी फिलहाल शेयरिंग नहीं करना है क्योंकि मेरे पास मुझे 99 GB का पार्टीशन रखना है, इसलिए मैं शेयरिंग नहीं कर रहा हूँ। हम ये पार्टीशन कैंसिल करके ये सी और डी और ई को भी मर्ज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम लोग इसको डिलीट करेंगे, डिलीट वॉल्यूम करेंगे तो सी और ई वॉल्यूम मर्ज होके एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। इस तरह हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर डिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सर्विस एंड एप्लीकेशन।
हमें कोई भी सर्विस अगर हमें ओपन करनी है, स्टार्ट करनी है या स्टॉप करनी है तो हम लोग यहाँ से करेंगे। जैसे हमें विंडोज़ अपडेट सर्विस बंद करनी है तो हम यहाँ पे जाके विंडोज़ पे जाके सर्च करेंगे विंडोज़ अपडेट। तो विंडोज़ अपडेट पे हम लोग जाके हम लोग जैसे डिसेबल करके स्टॉप करेंगे तो हमारी विंडोज़ सर्विस डिसेबल हो जाएगी और हमारे पे यहाँ से हम लोग डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ से अनेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारे सिस्टम के रिलेटेड जो कोई भी सर्विस है हम लोग यहाँ से अनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। ये था कंप्यूटर मैनेजमेंट की छोटी सी जानकारी। इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।